फ्रेंड्स, आई एम राहुल एंड वेलकम टू द चैनल ECLE. एवरीबॉडी कैन लर्न इंग्लिश. स्वागत है आप इस चैनल पर ECLE के. और हमने जो दो दिन में बॉन्ड टू और बॉन्ड टू बी की जो हमने क्लास पढ़ी थी, जो हमने सेंटेंस सीखे थे, उसकी आज मैं बॉन्ड टू और बॉन्ड टू बी के दोनों मिक्स सेंटेंस लेकर आपके पीछे लाया हूँ. क्योंकि मैंने बोला था कि बॉन्ड टू और बॉन्ड टू बी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूजफुल है और आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं आपके बीच में मिक्स सेंटेंस लाया हूँ. कुछ 10 से 20 सेंटेंस जो मिक्स सेंटेंस है. ओके, सो ये आपके लिए आई थिंक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपको सेंटेंस बनाने में मदद करेगा. आपको भी मेरे साथ सेंटेंस बनाना है, जैसे मैं यहाँ पर सेंटेंस बोल रहा हूँ, ऐसे आपको भी अपने आप से सेंटेंस बनाना है. अगर आपने बॉन्ड टू की क्लास पढ़ी होगी तो आप आसानी से, बिल्कुल आसानी से आप सेंटेंस को बना पाओगे. आपने अगर क्लास पढ़ी होगी ध्यान से बॉन्ड टू और बॉन्ड टू बी के, सही. इसलिए मैंने आज सिंगल सिंगल सेंटेंस की मैंने प्रैक्टिस जो बॉन्ड टू और बॉन्ड टू बी के जो है वो हमने करी है. और उसके बाद हम कल की वॉन्ट टू हैव की क्लास पढ़ेंगे. कल में हम वॉन्ट टू हैव की क्लास पढ़ेंगे क्योंकि तीनों थे वॉन्ट टू बी वॉन्ट टू हैव. ओके, सो वॉन्ट टू हैव की कल हम क्लास पढ़ेंगे और मंडे को हम तीनों की मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको वॉन्ट टू हैव आप कभी ना भूलें और आप स्पोकन में बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आप यूज़ कर पाएँ. और साथ ही हम अब कुछ ही दिनों में इसे बॉन्ड टू बी और बॉन्टेड वॉन्टेड टू बी और बोर्ड लाइक टू बी और बोर्ड लाइक टू हैव के बाद हम स्टोरी बनाना सीखेंगे. हम अंग्रेजी में कैसे छोटी छोटी स्टोरी बना सकते हैं, कैसे हम स्टोरी को हम बोल सकते हैं, एवरीथिंग आई विल टेल यू इन द वीडियो. सो आप ECLE के साथ बने रहें ताकि आप अच्छी से अच्छी अंग्रेजी सीख पाएँ और आपका कॉन्फिडेंट भी बहुत ज़्यादा बिल्डअप होगा. क्योंकि सेंटेंस ट्रांसलेशन में इसलिए मैं आपके लिए वॉन्ट टू और वॉन्ट टू बी की मिक्स प्रैक्टिस लेकर आया हूँ. मैंने बताया भी था कि ये प्रैक्टिस है. ओके, तो एक एक करके हम सेंटेंस देखते हैं. एक क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी क्लास होगी. हो सकता है 10 से 15 मिनट के बीच में यह आपकी क्लास ख़त्म हो जाए या उससे पहले भी आपकी क्लास है ख़त्म हो सकती है. ओके, कल की क्लास क्या जल्दी जल्दी हो गई थी और दिक्कत क्या थी कि बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था, तो मैं जल्दी जल्दी और तेज बोलने के प्रयास में बहुत कुछ चीज़ें मैं कुछ चीज़ें छूट गई जो मैंने पढ़ाया उसमें से नहीं छूटा, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे बतानी थी, नई चीज़ें वो मैं नहीं बता पाया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ. आज थोड़ी सी शांति है क्योंकि रोड पर घर है तो बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में क्या आता है, साउंड आता है, क्योंकि ट्रैक्टर निकल जाए, कभी कोई बात करने लगे बहुत तेज़ी से, तो वीडियो डिस्टर्बेंस हो जाती है और इसमें जो अपना फ्लो है वो भी बिगड़ जाता है. इसलिए मैंने सोचा कि कुछ भी हो मुझे फ्लो नहीं ख़त्म करना है, आपके लिए मुझे पढ़ाने का प्रयास करते रहना है, पढ़ाना है और आपके लिए कुछ नई चीज़ें बताना है और पढ़ाना है. इसलिए मैंने जल्दी जल्दी चीज़ें कल की क्लास मैंने ख़त्म कर दी. तो अगर आपको वह क्लास समझ ना आई हो तो आप वो क्लास आप फिर से देख लीजिए, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो सके. और साथ ही जो बॉन्ड टू बी की जो मैं प्रैक्टिस लाया हूँ, आपको कैसे प्रैक्टिस करने में बता दूँ कि आपको कॉल टू एक्शन कैसे, कि मैं यहाँ सेंटेंस बोलूँ. ओके, तो आपको अभी साथ में सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है, आपको बोलने का प्रयास करना है, बोलने का प्रयास करना, दिमाग में सेंटेंस नहीं बोलना, आपको बोलना है. ओके, वीडियो के सामने ऐसे ऐसे आपको क्या करना है, सेंटेंस को बोलना है और आपको सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा. जैसे जैसे हम लोग फिजिकल क्लास में क्या करते थे कि मैंने हिंदी में सेंटेंस बोला तो भाई आप बताओ इसका इंग्लिश में क्या होगा, तो मैं ट्रांसलेट करता था. ऐसे ही कुछ आपको होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा. साथ ही आपको थोड़ा थोड़ा मतलब आराम से अपन प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा बिल्कुल भागने की जरूरत नहीं, स्पीड में आप शांति से बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे, आपको भी बनेगा या मुझसे यह सेंटेंस बन जाता है. आप ज़्यादा हो तो एक बार आप देख लीजिए सेंटेंस को, ये सेंटेंस है. ओके, 15 से 20 सेंटेंस जितने भी पॉसिबल हुआ बोर्ड पर बने उतने मैंने लिखने का प्रयास किया है मिक्स सेंटेंस में, बॉन्ड टू में. मंडे को हम बॉन्ड टू हैव के भी जो बॉन्ड टू बी और बॉन्ड टू हैव की मिक्स प्रैक्टिस उसके भी हम करेंगे. आज हम बॉन्ड टू बी की कर रहे हैं, कल हम बॉन्ड टू हैव की क्लास है, तो आपको क्लास से कहीं नहीं जाना है. ओके, आप रेगुलर बने रहना, रेगुलर अपन वीडियो बनाएंगे. ओके, सो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. और हाँ, मैं भूल गया, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाला बटन दबाएं, ताकि लेटेस्ट जो वीडियो है आप तक पहुंच सके और आप अपनी अंग्रेजी को इंप्रूव कर सकें. तो चलते हैं सेंटेंस में. तो फर्स्ट सेंटेंस है जो हम देख लेते हैं कि वह है कि देश
विकसित होना चाहता है, देश विकसित होना चाहता है, किसका सेंटेंस है आप बताओ, बताओ क्या है, देश विकसित होना चाहता है किसका सेंटेंस है बताओ मुझे, क्या किसका है, बॉर्न टू बी का है, मैंने बताया था इसकी पहचान कि होना चाहता है, बताया था मैंने, तो इसकी किसका है, ओके हाँ। और एक अगर हाँ अगर आपको अच्छा लगे तो आप क्या करना कि जितने हमने अपन ने सेंटेंस लिए हैं उनको अपन ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, वो भी थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है, आपके लिए भी एक होमवर्क टाइप का अच्छा कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो आपके लिए भी मजा आएगा, कोई भी एक दो सेंटेंस लेके जितना भी आपको करना है, ओके। तो देश विकसित होना चाहता है तो ऐसे कैसे सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव का है, किसका है, अफर्मेटिव का है और वॉन्ट टू बी का है, ओके। तो कंट्री, कंट्री वॉन्ट्स टू बी एजुकेटेड, कैसे बनाएंगे, कंट्री वॉन्ट्स टू बी एजुकेटेड, क्या आपने ट्रांसलेट किया, यस आई आपने ट्रांसलेट जरूर किया होगा, आपने किया होगा, ओके। हम किस तरह पढ़ना चाहते हैं, हम किस तरह पढ़ना चाहते हैं, अपने दिमाग में, दिमाग के कान खुले रखना, आँख कान सब खुले रखना, किस तरह, किसका सेंटेंस है जल्दी से बता दीजिए, किसका सेंटेंस, सेंटेंस है आपका यह वॉन्ट टू का सेंटेंस है क्योंकि इसमें क्रिया है पढ़ना, ओके। तो वह हम किस तरह पढ़ना चाहते हैं, तो किस तरह है, किसका क्वेश्चन वर्ड भी है, किस तरह है, तो क्या क्या बताएंगे, व्हाट काइंड या व्हाट टाइप, दो में से एक का यूज़ कर सकते हैं, आपको व्हाट काइंड करना व्हाट काइंड कर लो, व्हाट टाइप का करना व्हाट टाइप कर लो, तो मैं व्हाट टाइप का करता हूँ, ओके। तो व्हाट टाइप, व्हाट टाइप डू बी, वॉट टाइप डू बी वॉन्ट टू स्टडी, हम किस तरह पढ़ना चाहते हैं, इसका ट्रांसलेट क्या होगा, वॉट टाइप डू बी स्टडी, बन गया, बिल्कुल बन गया, आपका कॉन्फिडेंट भी बिल्डअप होगा, ओके। क्या वे उड़ना चाहते हैं, क्या वे उड़ना चाहते हैं, किसका है बताइए, किसका है, वॉन्ट टू का है, तो क्या बनाएंगे, डू दे वॉन्ट टू फ्लाई, डू दे वॉन्ट टू फ्लाई, बट इज़ वेरी इजी टू द मेकिंग, डू दे वॉन्ट टू फ्लाई, बिल्कुल आसानी से बन गया। गरीब क्यों ईमानदार बनना चाहता है, गरीब क्यों ईमानदार बनना चाहता है, तो आप कैसे बनाएंगे, एक बार ट्रांसलेट करो, वन टू थ्री तक, वन टू थ्री, आई होप आपने ट्रांसलेट कर लिया होगा, ओके। तो देश, देश क्यों ईमानदार बनना चाहता है, तो क्या बनाएंगे, बनना चाहता है, बनना चाहता है, पहचान ध्यान में रखना, पहचान, पहचान को अगर आप पकड़ लोगे सेंटेंस बनाने में आपको कभी गलती नहीं होगी, कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो व्हाई, व्हाई डज पुअर वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल बन गया, ऐसे ही बनेगा, ओके। मैं तुम्हें फल बेचना चाहता हूँ, मैं तुम्हें फल बेचना चाहता हूँ, मैं तुम्हें फल बेचना चाहता हूँ, तो कैसे बनाएंगे, आई वॉन्ट टू, आपको हाँ एक बार बता दूँ कि देखो इसमें डबल वाला मैं भी है और तुम्हें भी, तो इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं होना, ओके। तो करने वाला कौन है, मैं है, लास्ट वाला ऑब्जेक्ट कहाँ गया, यू वाला चला गया, तुम्हें वाला, ओके। तो मैं तुम्हें फल बेचना चाहता हूँ, ट्रांसलेशन में पहले बता दिया, तो आप आई होप आपने कर लिया होगा, तो आई वॉन्ट, आई वॉन्ट टू सेल फ्रूट्स यू, आई वॉन्ट टू सेल फ्रूट्स, फ्रूट्स यू, बिल्कुल बन गया, बिल्कुल बन गया, ओके। हम किस तरह से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, हम किस तरह से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, बनाओ भाई, हम किस तरह से, एक्सरसाइज हो रही है आपकी, एक्सरसाइज माइंड की, बनाओ, वन टू थ्री, हाँ बना लिया होगा, हम किस तरह आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, ओके। तो एक आत्मनिर्भर की मीनिंग क्या होती है, फॉर वॉट, तो फॉर वॉट डू वी वॉन्ट टू बी सेल्फ डिपेंड, बना लिया, बिल्कुल बना लिया। क्या वो बैठना नहीं चाहते हैं, क्या वो बैठना नहीं चाहते हैं, कैसे बनाएंगे, क्या वो, वो की मीनिंग क्या है, दीज या दोस्त, मैं बताया था ना, क्या वो बैठना नहीं चाहते हैं, ओके। तो डू दोज नॉट वॉन्ट टू सिट, डू दोज नॉट वॉन्ट टू सिट, ओके, थोड़ा अच्छा सही लग रहा है, ये बता सकते, क्या ये बैठना नहीं चाहते, ऐसे ही बना सकते हैं, ओके। भारत कैसे इंडिया, भारत कैसे ऑस्ट्रेलिया को हराना चाहता है, भारत कैसे ऑस्ट्रेलिया को हराना चाहते, सीरीज चल रही है, भारत कैसे ऑस्ट्रेलिया को हराना चाहते हैं, बनाओ, बनेगा, बनेगा, ओके, थोड़ा सा अलग अलग है, बनेगा, ओके। भारत कैसे ऑस्ट्रेलिया को हराना चाहता है, कैसे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, आई होप आप दिमाग को बना लिया, बोलो अब बोलना, ओके। तो कैसे, कैसे, हाउ, क्या, हाउ डज इंडिया वॉन्ट टू डिफीट ऑस्ट्रेलिया, बन गया, बिल्कुल बन गया, हाउ डज वॉन्ट टू इंडिया, सॉरी, हाउ डज इंडिया वॉन्ट टू डिफीट ऑस्ट्रेलिया, इट इज़ वेरी इजी, चल रही है ना सीरीज, चल रही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही है, ओके, ऑस्ट्रेलिया इज अबाउट टू क्लीन स्विप, ऑस्ट्रेलिया क्लीन स्विप,
करने के मूड में है इंडिया को, ओके। प्रधानमंत्री देश का चौकीदार बनना चाहती हैं, प्रधानमंत्री जी देश का चौकीदार बनना चाहते हैं, ये मैंने ले लिया, थोड़ा सा अच्छा सा लगा था मुझे, दिमाग में आ गया। कैसे बनाएंगे आप? बिल्कुल बना सकते हैं, किसका बनना चाहते हैं, बॉन्ड टू बी का, ओके। आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करो बिल्कुल, कोई प्राइम मिनिस्टर बॉन्ड्स टू बी वॉचमैन ऑफ कंट्री, प्राइम मिनिस्टर वॉन्ट्स टू बी वॉचमैन ऑफ कंट्री, अजीब सा लग रहा है वॉचमैन इंग्लिश में, ओके। तुम किसकी वजह से व्यापारी बनना चाहते हो, तुम किसकी वजह से व्यापारी बनना चाहते हो, ओके। किसकी वजह से, ओके। तो क्या बनाएंगे? ड्यू टू हुम डू यू वॉन्ट टू बी बिजनेसमैन, ड्यू टू हुम डू यू वॉन्ट टू बी बिजनेसमैन। आपने ट्रांसलेट कर लिया? यस, आपने ट्रांसलेट कर लिया है, ओके। वह कुर्सी पर बैठना किसके बिना नहीं चाहते हैं, बना सकते हैं? तो किसके बिना? विदाउट हुम, ओके, विदाउट हुम। इसमें इस सेंटेंस में मैं बताऊंगा, डबल नेगेटिव है, इसको हम कैसे बना सकते हैं। एक तो ये जनरल है, ये भी बता सकते हैं और मैं कभी बताऊंगा, ओके। लेकिन अभी तो जैसा ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया चल रही है वैसे ही बनाओ। वह किसके बिना क्या होता है? विदाउट हुम क्या होता है? विदाउट हुम, तो क्या बनाएंगे? विदाउट हुम डज ही नॉट वॉन्ट टू सिट ऑन द चेयर, विदाउट हुम डज ही नॉट वॉन्ट टू सिट ऑन चेयर। बन गया? बिल्कुल बनी, आपने बिल्कुल आसानी से सेंटेंस को ट्रांसलेशन कर लिया है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा इस क्लास में, ट्रांसलेशन की क्लास में, तो आप बने रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, एक्सरसाइज करेंगे आपको बहुत कॉन्फिडेंट आएगा, ओके। मैं इसलिए ये बोर्ड पर लिख कर करा रहा हूँ ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है होती रहे, क्योंकि जो वन टू में कन्फ्यूज़न ना हो। एक्चुअली क्या होता है कि जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो बच्चे वन टू हैव में कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि हम पढ़ना चाहते हैं तो क्या बनाएंगे? दे वॉन्ट टू बी टीच, तो ये क्या गलत हो जाता है, ओके। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। जो भी ऑफलाइन स्टूडेंट है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी ध्यान से देखना है आप लोगों को, ओके। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ लिया सो गई सॉरी अपनी भाषा बोल दी, ओके। तो आपको ध्यान से ट्रांसलेशन करना है। तो वे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? सीखना। क्या बनाएंगे? दे वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। बना लिया। बच्चे खुश होना क्यों नहीं चाहते हैं, ओके। तो why do children not want to be happy? कभी कभी क्या होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, जो मिस्टेक्स स्पोकन में कभी कभी मैं भी गलती कर देता हूँ, तो why do not children want to be happy, ऐसे ही बोल देते हैं कभी जल्दी जल्दी में। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं भी अपना ध्यान रखूँगा कि मैं भी बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक ना करूँ, ओके। आप कितना दौड़ना नहीं चाहते, how much do you not want to run? बन गया। हम इंसान बनना किसलिए नहीं चाहते, हम बोलते थे हम इंसान हैं, लेकिन इंसानियत तो है नहीं, ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज तो है नहीं ज़्यादातर, ओके। तो इसलिए हम बना सकते हैं, हम इंसान बनना किसलिए नहीं चाहते हैं, इंसान को बनना, ओके। तो for what do we not want to be human? आप कैसे अंग्रेजी सीखना चाहते हो? तो how do you want to learn English? बिल्कुल बना सकते हैं। क्या लास्ट का देख लो, क्या हम अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं? तो क्या बनाएंगे? do we want to go in the space? इस प्रकार हम बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस हो गई, आपकी माइंड की जो है एक्सरसाइज होगी, आपकी दिमाग थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा होगा कि मैंने प्रैक्टिस कर ली है,
और वन टू में आई होप आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी, ये तो मैंने लिख के किए हैं, लेकिन आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, बना देखें सेल्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको किसी प्रकार की कन्फ्यूजन ना हो, ट्रांसलेशन अच्छे से आ जाए, धैर्य बना रखना, क्योंकि स्पोकन में धैर्य रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर धैर्य बनाओगे तो आप अवश्य अंग्रेजी सीख जाओगे, 6 महीने में तो 8 महीने, लेकिन अंग्रेजी आप सीखेंगे जरूर, तो आप धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए, आप अंग्रेजी ज़रूर सीखेंगे। ओके, जो भी इस वीडियो को रेगुलर से देख रहा है उनको विश्वास होगा, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये एक पूरा कोर्स है। आप सोचो कि मैं सेपरेट वीडियो बना दूँ, कि कभी इस पर बना दूँ, कभी इस पर, देख एक बाकायदा एक कोर्स के जैसे एक कोर्स पढ़ाते हैं वैसे ही कोर्स है, तो आपको यहाँ से हटना नहीं है कि आपने आज ये वीडियो देख ली, बिल्कुल सीरियस से आप देखते जाओ वीडियो, सीरियस है मिक्स ग्रामर की, आप देखते जाओ, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, क्योंकि हमें स्टोरी बनाना भी सीखनी है, एवरीथिंग आई हैव टू लर्न, कन्वर्सेशन भी सीखना है, तो कुछ मेरे स्टूडेंट भी आएंगे तो आपको कन्वर्सेशन बताएंगे, हम कन्वर्सेशन आखिर करना कैसे है। ओके, तो मैं आप इतना काम कर रहा हूँ, मतलब आपके लिए पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कराने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल आसानी से बने रहिए ओके ECLE के साथ। और यह प्रैक्टिस क्लास को मैं ख़त्म करता हूँ, और आपको एक क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपने ECLE बहुत दिन से मैंने बताया नहीं है, ECLE का जो टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक चैनल है, आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है आप ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं दे पाऊँ तो ओल्ड वीडियो देख लो, उनमें मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिलेगी डिस्क्रिप्शन लिंक, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि प्रोवाइड करा दूँ। क्या होता है वीडियो अपलोड करने के बाद मैं भूल जाता है, ऐसा कभी कभी होता है। ओके, तो आपको भी ध्यान रखना है कि डिस्क्रिप्शन को ज्वाइन कर लेना, सॉरी ECLE को ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम चैनल को जो आप नए हैं। ओके, तो और आपने अगर इंट्रोडक्शन वीडियो जो पुरानी वीडियो अगर वो नहीं देखी है तो वो वीडियो देखिए, सेंटेंस बनाइए, आप अंग्रेजी जरूर सीखेंगे। ओके, तो मिलते हैं शनिवार को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना खूब ख्याल रखिए,